पढ़ते आगे, यूपी बोर्ड में नकल माफियाओं की जड़ें किस कदर तक फैली हैं इसकी बानगी मंगलवार को देवरिया में देखने को मिली। यहां ग्राम प्रधान के घर बोर्ड कॉपियां लिखते हुए 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये बताया गया है कि परीक्षा केंद्र से महज 4 से 5 मीटर दूर कॉपियां लिखी जा रही थी। इनमें कुछ परीक्षार्थी है तो कुछ दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला थाना बरहा क्षेत्र के पैना गाँव का। यहाँ स्वयं विंध्याचल शाह इंटर कॉलेज को बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर बनाया गया। मंगलवार को हाई स्कूल की संस्कृत और इंटरमीडिएट की चित्रकला, प्राविधिक और आलेखन विषय पर पेपर था। यहां ग्राम प्रधान के घर पर उप जिला अधिकारी को नकल करने की सूचना मिली। एसडीएम ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की। नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बता दें आपको, यूपी में नकल पर सख्ती जो है प्रशासन की वो लगातार बनी हुई है, और ऐसे में प्रधान के घर बोर्ड कॉपियां लिखी जा रही थी। कुछ एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी थे, कुछ इसी तरीके से नकल यहां पर चलाई जा रही थी और ये कॉपियां जो है वो फिल की जा रही थी प्रधान के घर पर, लेकिन समय रहते इसे पकड़ लिया गया। एसडीएम साहब बरहज और सीओ साहब बरहज को कहीं से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बरहज के ग्राम बड़का गांव में ग्राम प्रधान के घर पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। उत्तर पुस्तिकाएं लिखे जाते हुए लोगों को, 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस संबंध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। देवरिया से हमारे साथ त्रिपुर जुड़ चुके हैं, इसके साथ विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, इसके साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ गुफरान भी जुड़े हैं। सबसे पहले देवरिया का ही रुख करते हैं, त्रिपुरेश का। त्रिपुरेश, पूरा मामला जो है वो किस तरीके से पकड़ में आया जरा बताएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पहली बात आपको बता दूं कि देवरिया जनपद नकल माफियाओं को गढ़ कहा जाता है। और ये जो तस्वीर आई है ये पहली तस्वीर नहीं है, इसके पूर्व पिछले साल भी तस्वीर सामने आई थी। और जो कल की तस्वीर है ये बरहस थाना क्षेत्र के बड़का गांव में जो ग्राम प्रधान है उनके घर बोर्ड की कॉपियां लिखी जा रही थी, क्योंकि ग्राम प्रधान का पुत्र भी उस कॉलेज में टीचर है और जो वहाँ सिटिंग मजिस्ट्रेट हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, सबकी मिलीभगत थी। और वहाँ जब शासन को सूचना मिली कि कॉपियां लिखी जा रही है तो सीओ ने कोर्स के साथ एसडीएम भी थे वहाँ छापेमारी की, तो बड़ी मात्रा में वहाँ पुस्तिकाएं मिली और सब पर उन पुस्तिकाओं पर बकायदे कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे जो नकल का गिरोह है इसमें कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता बरकरार है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी है। 77,139 परीक्षार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छोड़ दी है। अब तक 6 लाख छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी है। यूपी में 5 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। तो आपको बता दें बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसी जानकारी आ रही है 6 लाख छात्रों ने अब तक बोर्ड परीक्षा छोड़ दी है। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं, विशाल भी हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ गुफरान भी बने हुए। प्रयागराज का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अब गुफरान हमारे साथ बने हैं और विशाल भी हमारे साथ हैं। गुफरान, जिस तरीके से हम तमाम चीजें देख रहे हैं प्रयागराज की, चूंकि खबर सामने निकल के आई है, परीक्षा छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है 77,139 परीक्षार्थी हैं 10वीं से 12वीं के जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। देखिए, ये मंगलवार का आंकड़ा है जिसमें 77,139 परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा छोड़ी है। अभी पांच दिन पेपर हुए हैं। ये हालात है, अभी 11 मार्च तक हाई स्कूल की परीक्षाएं, 11 अप्रैल तक हाई स्कूल की परीक्षाएं और 15 अप्रैल तक जो है इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ेगा और इसका जो सीधे इसके पीछे की जो वजह है वो साफ है कि नकल माफियाओं पर जो सख्ती की गई थी उसका ही ये असर है कि लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षार्थी जो नकल के सहारे रहते थे, जो कहीं ना कहीं से नकल माफियाओं के जरिए एक तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षा को पास करने का कहीं ना कहीं से जुगत में रहते थे, ऐसे परीक्षार्थी बिल्कुल यानी कि इन पर नकेल कसने का काम जो है वो यहां पर गुफरान अब सरकार करती हुई नजर आ रही है। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हैं। विशाल, ओवरऑल अगर बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में 6 लाख छात्रों ने अभी तक परीक्षा जो है 4 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार काफी सख्त है, इसलिए डर भी बना हुआ है नकल माफियाओं में भी और छात्रों में भी। देखिए, बिल्कुल, नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर निर्देश हैं और यही वजह है कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर जो नकल माफिया हैं उन पर नकेल कसने के लिए रातों का तक की कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को हैं।
चूंकि देखिए रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है और चूंकि चुनाव था, तो ऐसे में तमाम ये जो छात्र जिन्होंने परीक्षाएं छोड़ी हैं इनमें से ज्यादातरों को लगा कि शायद सरकार बदल जाए। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ये कहावत है कि ये कहा जाता है कि बोर्ड परीक्षा जो है वो आपने किसकी सरकार में की, जब ये कहा जाता है तो एग्जाम्पल दिया जाता था कि राजनाथ सिंह की सरकार में हमने बोर्ड परीक्षा जो है पास की थी, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में बोर्ड परीक्षा पास की थी। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है तब नकल विहीन नहीं रहा, क्योंकि नकल माफियाओं का एक बड़ा अच्छा खासा वजूद रहा है और तमाम जो जो छात्र हैं उनकी नकल करते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ के जो सरकार थी तो उस वक्त ये था कि यहाँ तक कि जेल भेजने को का प्रावधान कर दिया गया था, वही कुछ योगी सरकार बिल्कुल कुल मिलाकर साफ ये देखा जा सकता है कि सख्ती जो है वो बेहद ज्यादा है और ऐसे में नकल किसी को नहीं करने दी जाएगी।